अभी आपका दही बूंदी रेडी है। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक मजेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं, दही बूंदी। बहुत ही टेस्टी दही बूंदी बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया का पत्ता, कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा अदरक। अदरक हमें तड़के में इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा ही लेंगे, मैंने इसको ग्रेट करके लिया है। और काली मिर्ची का पाउडर, भुना हुआ सिंगदाना, सूखा मिर्ची और जीरा का भून के पाउडर बनाया है हम लोगों ने। बूंदी, दही और हम लोग काला नमक ऊपर से डालेंगे। दही बूंदी का तड़का के लिए हम लोगों ने तेल लिया है, कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है मैंने इधर। इसमें अब हम लोग राई जीरा का तड़का लगाएंगे। मैं इधर 1/2 स्पून राई और जीरा डाल रही हूँ। अभी तड़का तड़क रहा है, अभी हम लोग कड़ी पत्ता डालेंगे, हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक, बूंदी पानी सोख करता है इसीलिए हम लोग इधर तड़के में थोड़ा पानी डालेंगे ताकि बूंदी अच्छा लगे। दही में जब बूंदी डालेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। अभी हमारा तड़के का पानी बॉईल हो गया है तो गैस बंद कर लेते हैं और पानी को बाउल में निकाल के सबको मिक्स करते हैं। अभी गरम पानी से दही डालने से कभी कभी दही फट जाता है, इसीलिए मैं हमेशा तड़के के पानी को ठंडा करके उसके ऊपर दही डालती हूँ। तो अभी आइए हम सबको मिक्स कर लेते हैं। पहले दही डाल दिया मैंने इधर, फिर हमारा कटा हुआ प्याज और मैंने इधर धनिया का पत्ता को बारीक कट किया है। फिर भुना हुआ मूंगफली, भुना हुआ मूंगफली। अभी हम लोग पाउडर डालेंगे, वो भुना हुआ जीरा और सूखा मिर्ची का भून के दोनों को पाउडर बनाया था। काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, मैंने बनाया था। और मैं अभी बूंदी ऐड कर रही हूँ, पर आप खाने को 10 मिनट रहेगा तो बूंदी ऐड कीजिए, 10 मिनट से पहले ही ऐड कीजिए। पहले ऐड करेंगे तो बूंदी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में आपको टेस्ट नहीं आएगा। ऊपर से हम लोग थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अभी आपका दही बूंदी रेडी है। मैंने इधर सर्व करने के टाइम भुना हुआ जीरा का पाउडर ऊपर स्प्रिंकल किया है, और आप भी ऐसा कीजिए और इसे टेस्ट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड को टेस्ट करवाइए। घर पे जरूर बनाइए, एक बार तो जरूर ट्राई करना ही चाहिए इसको, बहुत ही टेस्टी है। को मेरी ये दही बूंदी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे मेरा अगला रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।